नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यहां पर मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को लेकर। जी हां, अपर्णा यादव जो खासा सुर्खियां बटोरती नजर आती है, बीजेपी ज्वाइन वो कर चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम ऐसी खबरें उनको लेकर अक्सर यहाँ पर तुल पकड़ती नजर आती है। लेकिन ये क्या यहाँ पर अब अपने जेठ ससुर यानी कि अखिलेश यादव को करारा जवाब और करारी धमकी देती नजर आ रही है छोटी बहू अपर्णा। दरअसल बात करें तो यहाँ पर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाली अपर्णा यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में अपर्णा यादव भाषण दे रही हैं और यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों को चेतावनी दे रहे हैं। औरैया में दिए भाषण में अपर्णा यादव ने कहा कि कुछ लोग विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सन्यासी को मठ भेजने की बात कहते हैं, सीएम योगी उन पर लठ बजाने का काम करेंगे। अपर्णा यादव ने कहा कि चुनाव से पहले जब भाजपा में शामिल हुई तो लोग बोल रहे थे कि हमने सन्यासी को मठ भेजने की तैयारी कर दी है, अब सीएम योगी आदित्यनाथ इन सभी लोगों पर लठ बजाने का काम करेंगे। अपर्णा यादव के इस बयान पर अब लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लक्ष्य नाम के यूजर ने लिखा, समय सबका आता है, सिर्फ नाम के आगे यादव लगाने से कोई यादव नहीं हो जाता, उसके लिए युद्धकुल में जन्म लेना पड़ता है। एमके सिंह नाम के यूजर ने लिखा कि कुर्सी के लिए सारी मर्यादा तोड़ रही है। अमित कुमार यादव नाम के यूजर ने लिखा कि यह अपर्णा यादव अगर कोई भी चुनाव लड़ ले तो केवल खुद का ही वोट मिलेगा और बात एकदम हवा हवाई। इस तरह के से अखिलेश यादव को सरेआम लताड़ती नजर आई है अपर्णा यादव। तो आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।